हेलो मेरे प्यारी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। सो आज का केक बहुत ही ज़्यादा स्पेशल होने वाला है। ये केक मेरे को जिसने ऑर्डर दिया है वो फर्स्ट टाइम दिया है। सो ये केक का ऑर्डर मुझे मिला है, मेरे यहाँ एक दीदी काम करती हैं, उन्होंने उनकी बेटी का बर्थडे था तो मेरे को हाफ के जी का केक बनाने के लिए दिया था। तो मुझे बहुत खुशी हुई और मैंने सोचा मैं अपना बेस्ट दूंगी इस केक में और उनके लिए अच्छे से अच्छा केक बनाऊंगी, क्योंकि दीदी ने मुझे हाफ के जी का केक ऑर्डर दिया था। मैंने सोचा उनके लिए 1 kg का केक बना देते हैं और हाफ के जी की प्राइस पे मैंने उनको दिया, क्योंकि बिना पैसे दिए वो केक एक्सेप्ट नहीं कर रही थी, इसलिए मैंने उनके लिए हाफ के जी से ज़्यादा का केक बनाया। सो मैंने फाइनली आइसिंग करना स्टार्ट कर दिया, जैसा कि आप देख रहे हैं स्पॉन्ज को शुगर वाटर से दे दिया है फ्लेवर, और ये बेसिकली चॉकलेट केक मैं बना रही हूँ उनके लिए। आइसिंग आपको मैंने पहले भी बताया बहुत ही क्रूशियल पार्ट है केक के लिए, क्योंकि इससे जो केक का लुक आता है वही फाइनली डिसाइड होता है। सो गाइस, कस्टमर्स जब केक लेने के बाद रिव्यू देते हैं ना, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। जब वो अच्छा रिव्यू देते हैं तो बहुत मोटिवेशन मिलता है, एनकरेजमेंट होता है और अच्छा अच्छा केक बनाने के लिए और अच्छी अच्छी वीडियोस बनाने के लिए। इसीलिए आप लोग भी जब वीडियो देखें तो प्लीज़ इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करा करिए, जिससे मैं आपके लिए और ज़्यादा अच्छी वीडियो बनाऊँ। तो इस केक में मैंने स्पैचुला से फूड कलर, कैरेट कलर का थोड़ा सा कलर है ये, इसको मैंने हल्का हल्का टच दिया और फिर जब रोटेट किया तो देखिए कितना अच्छा लुक निकल के आया। हाइलाइटेड शेड में शेड आया है इस कलर का बेस बॉटम पार्ट ऑफ द केक, और कितना सुंदर लुक इसका लग रहा है। तो यही था मेरे माइंड में कि इसको डल फिनिश के साथ एक ब्यूटीफुल कलर का शेड दे के मैं इसको डेकोरेट करूँगी। तो ऐसे केक्स जिसमें ये हाइलाइटेड शेडेड वाला आपको टच देना होता है, उसमें जस्ट स्पैचुला से आप फूड कलर हल्का हल्का केक पे लगा के पैचेस रोटेट करिए अपने रोटेटिंग टेबल पे केक को, और देखिए कितना अच्छा फाइनल लुक निकल के आता है केक का। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको ये कलर और ये ट्रिक कैसी लगी। इसके बाद मैंने इसमें फ्लावर नोजल से फ्लावर्स बनाने की सोची, तो सेम कलर का मैंने फ्लावर्स बनाए जिस कलर से मैंने हाईलाइट किया था केक को। सो कस्टमर्स की बात करूं अगर मैं, सो बहुत अच्छा लगता है जब कस्टमर्स केक लेके जाते हैं और व्हाट्सएप और कॉल करके बोलते हैं उन्हें केक बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, टेस्ट वाइज भी और लुक वाइज भी एक अलग ही फीलिंग होती है और बहुत अच्छा लगता है। बट जैसा कि आप सभी जानते हैं मैंने अभी नया नया YouTube पे वीडियोस डालना स्टार्ट किया है, तो मेरे को आप लोगों का भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट चाहिए। आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस को लाइक करिए, कमेंट करके बताइए और शेयर करके लोगों तक पहुँचाइए, और कमेंट करके ज़रूर बताइए अगर आपको इस केक में क्या अच्छा लगा क्या बुरा लगा। अगर आप नेगेटिव चीज़ भी बताएंगे तो मैं उसको एक्सेप्ट करूँगी और उस आगे से उसको इम्प्रूव करने का ट्राई करूँगी, क्योंकि गलतियों से ही इंसान सीखता है। सो गाइस, इसके बाद ऑलमोस्ट कम्प्लीशन पे है ये केक। मैंने सेम कलर से नीचे बॉर्डर दे दिया स्मॉल बॉल्स के साथ, और केक को फाइनल लुक फाइनल फिनिश देने का टाइम चल रहा है। ये केक जब मैंने डिलीवर किया तो वो दीदी बहुत ही ज़्यादा खुश हुई और उन्हें बहुत अच्छा लगा। हालांकि मैंने उन्हें कुछ बोला नहीं कि ये मैंने ज़्यादा बनाया है, बट मेरा दिल था उनके लिए ज़्यादा बनाने का, इसलिए मैंने हाफ के जी की जगह ज़्यादा वेट का बना दिया। फाइनली मैंने इसमें स्प्रिंकल किया है मल्टी कलर स्प्रिंकल्स को, और इसके बाद क्योंकि केक बच्चे का था तो बच्चे को कार्टून कार्ड्स बहुत अच्छे लगते हैं, इसीलिए मैंने इसमें कार्ड्स भी लगाए और केक को फाइनल टच दिया। तो इसके बाद मैंने लगाए हैं इसमें कार्ड्स। केक आपको कैसा लगा ज़रूर कमेंट करके बताइए, फाइनल लुक कलर फील एंड प्रोसेस ऑफ मेकिंग केक ज़रूर बताइएगा, और आपको जो जो इन्फॉर्मेशन इससे रिलेटेड चाहिए आप कमेंट करके बताइए। मैं अपने नेक्स्ट वीडियोज़ में ट्राई करूँगी आपको पूरी इन्फॉर्मेशन दूँ, और आगे से बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस आपके लिए पूरा लाने की ट्राई करूँगी। बस आपको एक ही काम करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। सो गाइस, ये है फाइनली केक। कमेंट करके ज़रूर बताइए कैसा लगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।